जो कोलैबोरेशन आया गाने का नाम है टाइटल क्या डू। बहुत दिनों बाद प्रोडक्शन बाय किया अंतरिक्ष, क्योंकि विजय डीके भाई के सारे बहुत ज्यादातर गाने अंतरिक्ष भाई ने ही प्रोड्यूस किए हुए हैं 2K24। और इस गाने की बहुत हाइप मची हुई है क्योंकि अभी जो दिल्ली मुंबई वाला सीन हुआ है उसकी वजह से दोनों एमसी अल्ताफ भाई विजय डीके और दोनों को कॉन्ट्रोवर्सी सब चल रहा है दिल्ली मुंबई वाला सीन। तो टाइटल क्या डू में क्या दिखाया हुआ चले गए, पहले हेडफोन्स लगा देते हैं उसके बाद देखते हैं। और टाइटल क्या विजय डीके भाई है तो फटने वाला ही गाना होगा हमेशा से, आपको पता ही है। चले गए शुरू कर 3-2-1 वी गो। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ओके यो विजय डीके इन द हाउस नो फकिंग बीचेस और मेरे साथ में एमसी अल्ताफ धारा 17 X43। ओके एंड आई एम सेन कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे, कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को चुतिया बना के झगड़े लगा के दंग। हम लोग को नहीं लगा था कि ये दोनों का कोलैबोरेशन भी ऐसा आ सकता है। लेट्स गो, लेट्स गो, फिर से सुनेंगे। चलिए यो व्हाट्स अप विजय डीके इन द हाउस नो फकिंग बीचेस और मेरे साथ में एमसी अल्ताफ धारा 17 X43 एंड आई एम सेन। ओके बहुत नाचने वाला गाना है गाइस। कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे, कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुतिया बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे। पैसा ये मांगता बलि गरीब की गर्दन है सामने, कैसे तुम मांगे इंसाफ मिलेगी हक। पैसा ये मन का बलि गरीब की गर्दन है सामने, पैसा ये मांगता बलि गरीब की गर्दन है सामने। मतलब अमीर लोग का तो क्या है भाई, अमीर लोग के पास पैसा है सब कुछ, किसी को कोई नहीं है, लेकिन पैसा गरीबों के पास ही नहीं है, इसीलिए पैसा लाने के लिए मांगता बलि और गरीब की गर्दन है सामने। गरीब की गर्दन है सामने, कैसे तू मांगे इंसाफ मिलेगी हथकड़ी हाथ में, कौन सी फिर बड़ी है जान वो भी इंसानियत के सामने। यस यस यस, हमेशा से जो ये अभी कॉन्ट्रोवर्सी दिल्ली मुंबई सीन चल रहा था हिंदू मुसलमान वाला, उसके सामने एक बहुत बड़ा गाना ह्यूमैनिटी पे है। ये बोलने के लिए भी आपको ताकत चाहिए गाइस। ये उम्र है विजय डीके भाई की, जो उम्र है वो उम्र में आपको ये बोलने की ताकत चाहिए, क्योंकि सब लोगों को डीएचएच या वो सब तो बहुत पसंद है, लेकिन जब पूरा डीएचएच एक ह्यूमैनिटी या फिर उसके लिए जब बात कर रहा है वो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि डीएचएच में अभी तक ऐसा कोई गाना नहीं आया हुआ है और ये पहला गाना है दोनों भाई। मांगता बलि गरीब की गर्दन है सामने, कैसे तू मांगे इंसाफ मिलेगी हथकड़ी हाथ में, कौन सी फिर बड़ी है जान वो भी इंसानियत के सामने, फिर काय के दंगे फसाद तुम कर रहे लोका लोका okay, भाई मतलब लोका भाई विजय डीके काम भारी अल्ताफ काम भारी। ओके सेवन बंटाइज पूरी गैंग है साथ में, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट दिख रहे हैं। मतलब विजय डीके भाई ने भी ये गाने को बनाने के लिए पूरा अंदर से बहुत मेहनत किया हुआ है कि पूरा सीन को दिखाया है कि भाई हम सब एक साथ है, पहले हम सारे आर्टिस्ट है लेकिन हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे ह्यूमैनिटी के लिए। कैसे तू मांगे इंसाफ मिलेगी हथकड़ी हाथ में, कौन सी फिर बड़ी है जान वो भी इंसानियत के सामने, फिर काय के दंगे फसाद तुम कर रहे धर्म के नाम पे, व्हाइट कॉलर गैंगस्टर कुर्ते में आते बोलते ये पब्लिक को घुटने में आन दे, व्हाइट कॉलर गैंगस्टर है कुर्ते में आते। ओके सही भाई दिख रहे हैं सही टाइम पे सही गाना, व्हाइट कॉलर गैंगस्टर कुर्ते में आते बड़ी अचान वो भी इंसानियत के सामने, फिर काय के दंगे फसाद तुम कर रहे धर्म के नाम पे, व्हाइट कॉलर गैंगस्टर कुर्ते में आते बोलते ये पब्लिक को घुटने में आन दे, भूखा जो मर रहा कब्र में जान दे, फोटो ले अच्छी सी खबर में आन दे, अगले दिन बस्ती में लग गले बांध दे, एम्बुलेंस रोज वो एरिया में आ मैं तेरी जो रात। ये जो ब्राजीलियन बीट है ना उसके ऊपर हिंदी में रैप सुनना एक्सपीरियंस बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने टाइटल क्या दू में, और मतलब गाने का टाइटल भी सही है कि टाइटल क्या दू ह्यूमैनिटी, ये सब लड़ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो, ये टाइटल क्या दू मैं गाने के कुर्ते में आते बोलते ये पब्लिक को घुटने में आन दे, भूखा जो मर रहा कब्र में जान दे, फोटो ले अच्छी सी खबर में आन दे, अगले दिन बस्ती में लग गले बांध दे, एम्बुलेंस रोज वो एरिया में आ मैं तेरी जो रात वो किसी की शाम है, तेरी जो मस्ती वो किसी का काम है या। ओके तेरी जो रात हो किसी की शाम है, तेरी जो मस्ती हो किसी का काम है, और एम्बुलेंस का शोर बस्ती में आम है।
के बड़े बड़े जो घरों के बच्चे लोग होते हैं वो सब ऐसे कूड़ा मतलब खाने की चीजों को वेस्टेज करते हैं या फिर पूरा गंदे शैंपियन वैम्पियन करके करते हैं, तो जो गरीब बस्ती वाले हैं वही साफ करेंगे, मतलब जो तेरे मस्ती है वो किसी का दे फोटो ले अच्छी सी खबर में आन दे, अगले दिन बस्ती में लग गले बांध दे, एम्बुलेंस रोज वो एरिया में आ, मैं तेरी जो रात वो किसी की शाम है, तेरी जो मस्ती वो किसी का काम है, या पैसा तो काला ही पसंद, इंसान फिर गोरा ही क्यों, जवाब नहीं देते सवालों का तो लफड़ा फिर होना ही क्यों। सही बात है, पैसा ये काला पसंद फिर इंसान गोरा ही क्यों, और बातों का जवाब नहीं देके तो फिर लफड़ा ही होना ही क्यों। आपको बातों का जवाब नहीं है शाम में, तेरी जो मस्ती वो किसी का काम है, या पैसा तो काला ही पसंद, इंसान फिर गोरा ही क्यों, जवाब नहीं देते सवालों का तो लफड़ा फिर होना ही क्यों, ये लड़ाते इनके आदमी तो अपन भड़क रहे ले क्यों, ये ऑर्डर सब आता है ऊपर से पर जनता समझ रहे नहीं क्यों, किसी को हिंदू बता रहे किसी को मुस्लिम बता रहे किसी को। गाइस होक बहुत अच्छा लग रहा है, होक जो बनाया विजय डी के भाई ने बहुत अच्छा लग रहा है, ये लड़ाते इनके आदमी तो अपन भड़क रहे ले क्यों, ये ऑर्डर सब आता है ऊपर से पर जनता समझ रहे नहीं क्यों, किसी को हिंदू बता रहे कोई किसी को मुस्लिम बता रहे कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे, कोई किसी का झंडा जला रहे कोई किसी का धंधा बना रहे, किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे। गाइस ये जिसकी भी सोच है ना ये गाड़ी के बीच में डालने का, ये लीजेंडरी डायलॉग है, लीजेंडरी डायलॉग जिससे भी क्रांति मतलब मूवी देखा हुआ है गाने के हिसाब से बिल्कुल मैच कर रहा है, बहुत मैच किया, जिससे भी ये सोचा डायलॉग बीच में रखने का वो बहुत बड़े हैट्स टॉप टू यू। और ये गान ये क्रांतिवीर देखी होगी सब लोगों ने, और इसमें नाना पाटेकर का डायलॉग है कि ये हिंदू का खून है मुसलमान का खून, देख साले बलाने वाले ने फर्क नहीं कर, तू कौन होता है फर्क करने का। ये मंदिर जब चालू तो पंडित समाज से, मस्जिद जब चालू तो मौलाना, स्कूल होते देश में। विजय डी के भाई की आवाज का भाई जैसे ही यार मतलब हार्ट टचिंग आवाज, हार्ट टचिंग मतलब ऐसा ही लगता है कि भाई ये बंदा क्या क्रेजी गाता है, क्रेजी गाता है। ये मंदिर जब चालू तो पंडित समाज से, मस्जिद जब चालू तो मौलाना, ज्यादा अगर स्कूल होते देश में तो देश अपना आगे तो ज्यादा इनसे ज्यादा, भाई लोग घूम रहे भाई लोग के भेस में, भाई बड़ी कौन सा जो लॉक है गिन जा रहा, भारत निकाली लोगी रोड से, यूनिटी देखनी तो पूरी पिंगोड़ा ये पापा क्या। ओके भारत में निकाल दी इनकी जो यूनिटी देखने तो 43 आना, देश में तो देश अपना आगे तो ज्यादा इनसे ज्यादा, भोले लोग घूम रहे भाई लोग के भेस में, भाई बड़ी कौन सा जो लॉक है गिन जा रहा, भारत निकाली लोगी रोड से, यूनिटी देखनी तो पूरी पिंगोड़ा ये पापा क्या। बाबा नहीं होते तो दलित का क्या होता, मतलब इंसान इंसान को ऊपर ला सकता है, जो इंसान सुधरेगा और यूनिटी बनाएगा तो सब लोग को ऊपर ला सकता है, तो अपने में मत जलो गाइस, ये एंथम एंथम बनने वाला है गाना, एंथम बनने वाला, और ये तुम लोग का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ब्रेन वॉशिंग चल रहा है ना गाइस उसे समझो, उसी से उन लोग का पेट भर रहा है, तो समझो गाइस जितना यूनिटी में रहोगे उतना फायदा। खत्म विलोर आर वन मैंने इंसान को मजहब में लड़ते हुए देखा, लेकिन किसी को बाइबल कुरान गीता पढ़ते नहीं देखा,
मतलब मजहब में लड़ रहे हो लेकिन तुम्हारे मजहब में क्या सिखाते हो तो समझो गाइस, वो तो पढ़ लो पहले फिर लड़ने आओ यार। सही है, फैक्ट्स फैक्ट्स। मैंने इंसान को मजहब पे लड़ते तो देखा, अपन बाइबल कुरान गीता पढ़ते नहीं देखा, कोई किताब नहीं ऐसी जहाँ पे अहिंसा और हिंसा के मार्ग का फर्क नहीं लिखा, तो काय को तुम लड़ रहे हो जात-पात पे, इधर छोटे छोटे बच्चे से बस बस में, अरे बड़ों का छोड़ दे रहा बच्चों का, सोचो आने वाली पीढ़ी तेरी बात मानते, तेरे लेफ्ट साइड के गंदे पे एंजल है और राइट साइड के गंदे पे हैवान, मेरे कंधे पे फैमिली का बर्डन है तो कैसे क्या भटकेगा शैतान, बॉय तेरे लेफ्ट साइड के कंधे पे शैतान है और राइट साइड पे एंजल, मेरे कंधों पे फैमिली का बर्डन है तो फिर कैसे भटकेगा शैतान। मतलब तू सब ये अच्छाई बुराई की बातें कर रहा, लेकिन मेरे मेरे कंधों पे तो मेरे फैमिली का, मेरे माँ बाप का बोझ है, तो मेरे मेरे में कोई भी शैतान नहीं फंसने वाला। छोटे ना बच्चों का सोचो, आने वाली पीढ़ी तेरी बात मानते, तेरे लेफ्ट साइड के कंधे पे एंजल है और राइट साइड के कंधे पे हैवान, मेरे कंधे पे फैमिली का बर्डन है तो कैसे क्या भटकेगा शैतान, भगवान से भी के बस नाम में आने क्योंकि कर्म रग अच्छे और अच्छा बने इंसान, घमंड किस बात का और किसी जात का, खुदा भी वही और वही है भगवान भी किसी। सही है, भगवान और खुदा दोनों एक ही है, सिर्फ नाम का फर्क है, और सब जो भगवान है वो भी एक एनर्जी ही है और खुदा है वो भी एक एनर्जी ही है, हम लोग एनर्जी फील करते हैं गाइस। फैमिली का बर्डन है तो कैसे क्या भटकेगा शैतान, भगवान से भी के बस नाम में आने क्योंकि कर्म रग अच्छे और अच्छा बने इंसान, घमंड किस बात का और किसी जात का, खुदा भी वही और वही है भगवान, कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई इनकी फैला रहे, कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे, कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे, कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे। ओके वेट 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 वेट, विजय डिक्के भाई का वापस सुनना बनता है गाइस, सुनेंगे फिर से विदाउट स्टॉप। मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, पता है बनाने वाले ने इससे बढ़ गई वाला, ये मंदिर जब चालू तो पंडित सब मस्त है, मस्जिद जब चालू तो मौलाना, ये इन सबसे ज्यादा का स्कूल होते देश में, देश अपना आगे तो ज्यादा इनसे ज्यादा, ढोले लोग घूम रहे भाईयों के भेस में, भाई बड़ी कौन सा जो लॉक है गेंजा, भारत की कवेली इल्लू की रोड से यूनिटी देखती तो पूरी पिन घोड़ा, ये पापा के आगमन में डीजे पे कवाली, ख्वाजा की छट्टी में दीवाने हाजिर, बादशाह भी संदल और साई का भंडारा, धर्म और जात का बनाए लोग बाजार, इधर रोज होती प्रेरणा मजार आरती, इंसान जब लालची स्वार्थी गदर, बाबा ना होते तो दलित का क्या होता, इंसान है धर्म में बोलता मैं हर बार, कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे, कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे। मैंने इंसान को मजहब पे लड़ते तो देखा, अपन बाइबल कुरान गीता पढ़ते नहीं देखा, कोई किताब नहीं ऐसी जहाँ पे अहिंसा और हिंसा के मार्ग का फर्क नहीं लिखा, तो काय को तुम लड़ रहे हो जात-पात पे, इधर छोटे छोटे बच्चे से बस बस में, अरे बड़ों का छोड़ दे रहा बच्चों का, सोचो आने वाली पीढ़ी तेरी बात मानते, तेरे लेफ्ट साइड के कंधे पे एंजल है और राइट साइड के कंधे पे हैवान, मेरे कंधे पे फैमिली का बर्डन है तो कैसे क्या भटकेगा शैतान, भगवान से भी के बस नाम में आने क्योंकि कर्म रग अच्छे और अच्छा बने इंसान, घमंड किस बात का और किसी जात का, खुदा भी वही और वही है भगवान, कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे, कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे, कोई किसी को हिंदू बता रहे, कोई किसी को मुस्लिम बता रहे, कोई किसी को बुद्धिस्ट बता रहे, सिख और ईसाई हेट क्यों फैला रहे, कोई किसी का झंडा जला रहे, कोई किसी का धंधा बना रहे, कोई किसी को छुट्टियां बना के झगड़े लगा के दंगल घड़ा रहे। बोलायला शिका, कारण अन्याय हा नेहमी शांत व्यक्तींवर होत असतो आणि सृष्टीचा नियम आहे, बळी हा बकऱ्याचा दिला जातो, वाघाचा नाही। अरे भाई सा टाइटल क्या दू, बकरी और बाघ के लिए कुछ बोला लास्ट में, मराठी नहीं आती हम लोग को इसलिए मालूम नहीं है, हम लोग को कम समझ में आता है इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, गाली मत दो। लेकिन बहुत बढ़िया गाना था गाइस, और गाना फटने वाला गाना है, और इसकी जो बीट प्रोडक्शन किया हुआ है अंतरिक्ष भाई ने वो बहुत सही था, और इसमें शाउट आउट टू ऑल मुंबई हिप हॉपर्स, मतलब ऑल आर्टिस्ट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, क्योंकि उन्होंने सब एक होकर विजय डीके भाई को सपोर्ट किया और ऐसा एक अच्छा गाना बनाया
जिसे हमारी हिप हॉप कम्युनिटी सब लोग रिलेट कर पाएंगे, जिसे हमारी हिप हॉप इम्यूनिटी को एक हिप हॉप कम्युनिटी को एक सोच मिलेगी कि क्या चल रहा है देश में और क्या करना है। हम लोग को एक यूनिटी बन के रहना पड़ेगा, वही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। या फिर दिल्ली मुंबई वाला जो सीन चल रहा है वैसे खींचता नहीं चलती रहेगी तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़े। और हमारा हिप हॉप अभी सेफ हाथों में है, सेफ हाथों में है अभी तक तो हमें लग रहा है। ये लोग इकट्ठे होके रहेंगे ना एक साथ तो कोई एक नहीं पकड़ जाएगी। जैसे फटने वाले गाने डाल सकते हैं, मैंने जैसे के बोला था आगे भी एनी वे स्टैंड बाय एमी वे रफ्तार उन लोग का जो भाई आ गया बादशाह हनी सिंह उन लोग का जब भी कॉलेज आया गाइस फटने तो वाला कोई नहीं पहुंच पाएगा। हाँ वो एक बार ग्रैमी भी लेके आएंगे, सब एक साथ होंगे तो ग्रैमी तक भी पहुंचेंगे एक बार। और सब अभी ये कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा पर ये जितने आर्टिस्ट इकट्ठे थे उतना एक एमए भाई में टैलेंट है तो वो लोग साथ में वो एमए भाई 20 घंटों में 7 मिनट का गाना बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मतलब ये सब लोग एक साथ हो जाएंगे तो DHH एक फटने वाला गाना बना सकता है और वो ग्रैमी तक भी ला सकता है। और यार आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को और ऐसे नए नए वीडियो आपके लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।